एक्चुअली स्टैम्पेड टाइप का सिचुएशन क्रिएट होने से पहले ही पुलिस ने कंट्रोल कर लिया, ठीक है। अब उसकी वजह यह है कि एक तो एचसीए का मिसमैनेजमेंट है कि इतना क्राउड बुला के, पहले तो ऑनलाइन का ज़माना है, ठीक है, नंबर ऑफ काउंटर्स आपको ज़्यादा लगाने चाहिए, वो भी उसको फास्ट एक्टिंग होना चाहिए, बीच में कुछ कैश कार्ड काम नहीं कर रहा है, ऑनलाइन काम नहीं कर रहा है, और सिर्फ दो काउंटर लगाए थे इतनी पब्लिक के लिए, हज़ारों की पब्लिक है जो रात से खड़ी हुई है, तो हाउ कैन यू मैनेज सच ए पब्लिक विद टू काउंटर्स। तो उनको जाके टाइट किया गया, उनको बोला कि अगर कुछ गड़बड़ होगी तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, तुरंत दो के चार काउंटर कराए गए और उनको देवर स्टिल प्रिंटिंग द टिकट्स। तो मैंने कहा जल्दी करके फास्ट डिस्पोजल करो, इधर पब्लिक को लाइन में लगाया गया, समझाया गया। उसी टाइम पे क्या हुआ, उसे ये सब होने से पहले जिस समय की वक्त की आप बात कर रहे हैं, उस वक्त में जो लोग बहुत ज़्यादा थे तो वहाँ पे अचानक एक रेन आएगी, तो रेन एक साथ आने की वजह से पीपल गॉट इम्पेशेंट। एक्चुअली पार्टली ये इसलिए था कि रेन से बचने के लिए, तो एवरीबडी ट्राई टू एंटर इनसाइड। तो उस टाइम पे थोड़ी सी सिचुएशन गड़बड़ हुई, दो तीन लोग उसमें गिरे, हमारे लोगों ने इमीडिएटली रेस्क्यू करके हॉस्पिटल लेके गए थे, परफेक्टली ऑल राइट। उसके बाद एवरीथिंग हैज बीन सिस्टमेटाइज, जब तक टिकट हैं सिस्टमेटिकली जाएंगी, उसके बाद में टिकट को बंद होने के बाद में सबको बाहर दे दिया, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल एब्सोल्युटली। सी देयर आर टू थ्री एंगल, दो तीन एंगल है इसमें, एक तो काउंटर बढ़ा दिए गए हैं, डिस्पोजल फास्ट हो रहा है, लोग देख रहे हैं कि लाइन आगे बढ़ रही है, इससे पहले बहुत स्लो चल रहा था, ऑनलाइन भी प्रॉपर कर दिया गया है और लोगों को बता दिया गया, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इन्होंने पानी का भी इंतजाम नहीं किया था, बैरिकेडिंग भी वीक थी, तो पानी हम लोगों ने मंगा के उन सबको बांटा है, तो उसके लिए पब्लिक शांत है। नथिंग है, नथिंग नथिंग एब्सोल्युटली नॉट, एवरीबडी इज सेफ एंड साउंड, सब कोई किसी को दिक्कत नहीं है। चार लोगों को हॉस्पिटल ले गया गया, तो उसमें एक अपना कांस्टेबल भी था जो गिर गए थे, तो जिनको थोड़ा अनइजी फील हो रहा था ले गया गया था, उनको प्रिलिमिनरी करने के बाद में दे आर परफेक्टली ऑल राइट। हमारे एक इंस्पेक्टर साहब वहीं रह के देख के आए। सर वन लास्ट क्वेश्चन सर, क्या कोई नोटिस दिया गया है सर? देखिए अब ये सिचुएशन हैंडल होने के बाद उसकी इंक्वायरी डेफिनेटली होगी, उसके बाद नोटिस ही नहीं अगर जरूरत पड़ेगी तो लीगल कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस वक्त मैं किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकता। वो डेफिनेटली मिसमैनेजमेंट तो दिख रहा है, लेकिन नेचुरली यू नो द प्रोसीजर, लीगल प्रोसीजर कि इंक्वायरी होती है, उसके बाद इंग्रेडिएंट होते हैं, उसके ऊपर लीगल कार्रवाई होती है, वो होगी।